हाइलाइंस आप जान चुके हैं, रोहित स्टूडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि पंजाब भर में हिफाजती टीकों की मुहिम बारे बड़ी खुशखबरी। टाइफाइड हिफाजती टीकों की मुहिम में दो दिन का मजीद इजाफा। सेक्रेटरी हेल्थ मोहम्मद उस्मान ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रह जाने वाले बच्चों के लिए मुहिम का दौरानिया दो दिन बढ़ा दिया गया है। 1 फरवरी से 12 जिला में मुहिम चलाई जा रही है। सेक्रेटरी हेल्थ का ऐसा कहना है 9 लाख बच्चे मुहिम के पहले 15 रोज मुख्तलिफ वजूहात से महरूम रह गए हैं। मुल्तान में 1,25,915 बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी। डीजी खान में 24,856 बच्चों को टाइफाइड वैक्सीन लगाई जाएगी। मियांवाली में 11,526 बच्चों को टाइफाइड की वैक्सीन लगाई जाएगी। लैया में 11,358 बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी। राजनपुर में 15,389 बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी। वालिदैन बच्चों को हर सूरत टाइफाइड हिफाजती टीके लगवाएं, सेक्रेटरी हेल्थ मोहम्मद उस्मान का ऐसा कहना है। जी हाँ, आपको बता रही हैं, पंजाब भर में टाइफाइड हिफाजती टीकों की मुहिम बड़ी खुशखबरी है। टाइफाइड हिफाजती टीकों की मुहिम में दो दिन का मजीद इजाफा कर दिया गया है। सेक्रेटरी हेल्थ मोहम्मद उस्मान ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक रह जाने वाले बच्चों के लिए मुहिम का दौरानिया दो दिन बढ़ा दिया गया है। मोहम्मद उस्मान का ये बताना है कि 1 फरवरी से 12 जिला में मुहिम चलाई जा रही है। 9 लाख बच्चे मुहिम के पहले 15 रोज मुख्तलिफ वजूहात से महरूम रह गए। मुल्तान में 1,25,915 बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी। डीजी खान में 24,856 बच्चों को टाइफाइड वैक्सीन लगाई जाएगी। मियांवाली में 11,526 बच्चों को टाइफाइड वैक्सीन लगाई जाएगी, जबकि सेक्रेटरी हेल्थ का मजीद ये बताना है कि लैया में 11,358 बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी। राजनपुर में 15,389 बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी। बुलेटिन को आगे बढ़ाते हैं, आपको बताते हैं बलोचिस्तान इंटरनेशनल स्कॉश लीग के हवाले से इफ्तिताही तकरीब में गवर्नर पंजाब ने खसूसी शिरकत की। इफ्तिताही तकरीब में कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद भी शरीक हुए, जबकि इफ्तिताही तकरीब में डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक ने भी शिरकत की और शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया गया। इफ्तिताही तकरीब में इंटरनेशनल स्कॉश प्लेयर्स ने भी शिरकत की है। इस मौके पर म्यूजिकल शो का इनेकाद किया गया। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने इफ्तिताही तकरीब में खसूसन शिरकत की और मारूफ सनतकार जलालुद्दीन रोमी भी इस तकरीब में शरीक हुए। और अब आपको बताते हैं कि जनूबी पंजाब की तरक्की और बेहतरी का ख्वाब ताबीर की जानिब गामजन है। वज़ीर-ए-आला पंजाब का सराइकी खत्ते के लिए अहसन इकदाम। मुल्तान पुरानी गल्ला मंडी में मदर एंड चाइल्ड अस्पताल बनाने की मंजूरी दे दी। अस्पताल के कयाम के लिए 500 मिलियन रुपए के फंड भी मंजूरी दी गई है। डेरा गाजी खान और मियांवाली में नए सीमेंट प्लांट्स भी लगाए जाएंगे। सरकारी एराजी मुल्तान जिमखाना और इसके अलावा आपको बताएं कि सरकारी एराजी मुल्तान जिमखाना को लीज पर देने के लिए भी कमेटी तश्कील दे दी गई है। सिविल सेक्रेटेरिएट में काम करने वाले छोटे मुलाजमीन की अपग्रेडेशन का फैसला भी किया गया है। जनूबी पंजाब की तरक्की और बेहतरी की ख्वाब की तामीर की जानिब गामजन है। सीएम पंजाब का सराइकी खत्ते के लिए अहसन इकदाम। मुल्तान पुरानी गल्ला मंडी में मदर एंड चाइल्ड अस्पताल बनाने की मंजूरी दे दी गई। अस्पताल के क्याम के लिए 500 मिलियन रुपए के फंड्स की भी मंजूरी दी गई है। डेरा गाजी खान और मियांवाली में नए सीमेंट प्लांट्स भी लगेंगे। सरकारी एराजी मुल्तान जिमखाना को लीज पर देने के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई। बात करेंगे सेहत की सहूलियात की। रहीम यार खान में सेहत की सहूलियात की अब फरावानी होगी। रहीम यार खान में सेहत के मैदान के 5 बड़े मंसूबे शुरू करने की तैयारियां कर ली गईं। SNE मंजूरी के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट को इरसाल कर दिया गया। कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट, THQ सादकाबाद, डायलिसिस सेंटर THQ और लियाकतपुर THQ, खानपुर और सादकाबाद के लिए मंजूरी भिजवाई गई है। रहीम या खान में सेहत सहूलियात की होगी फरावानी। सेहत के मैदान के 5 बड़े मंसूबे शुरू करने की तैयारियां। SNE मंजूरी के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट को अरसाल। कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट THQ, सादिकाबाद, डायलिसिस सेंटर THQ, लियाकतपुर, खानपुर और सादिकाबाद के लिए मंजूरी भिजवाई गई है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते हैं, गवर्नर पंजाब की सदर चैंबर ऑफ कॉमर्स DG खान जलालुद्दीन रोमी के घर आमद हुई। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की ख्वाजा जलालुद्दीन रोमी से मुलाकात हुई। मुलाकात में सूबाई वजीर तवानाई डॉक्टर अख्तर मलिक भी मौजूद थे।
वज़ीर-ए-आज़म जल्द एक मेगा ज़रई पैकेज का ऐलान करेंगे। गवर्नर पंजाब की जानिब से ऐसा बताया गया। जनूबी पंजाब की महरूमी के अजाले के लिए अलहदा सेक्रेटेरिएट तश्कील दिया जा चुका है, जबकि गवर्नर पंजाब ने कहा कि जनूबी पंजाब के मुस्तहिक और नादार तलबा के लिए कर्ज़े हसना की स्कीम शुरू की गई है। चौधरी मोहम्मद सरवर ने जलालुद्दीन रोमी की जनूबी पंजाब में बिजनेस के फरोग के लिए खिदमात को सराहा है। बात करेंगे पेट्रोलियम मसनूआत की। अच्छी खबर है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ऐसा इकदाम उठाया गया है। ओगरा की जानिब से उठाई जो तजवीज़ भिजवाई गई थी उसे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने मुस्तरद कर दिया है। रिपोर्ट करेंगे वसीम शहजाद। हुकूमत की जानिब से एक अहसन कदम जो है वो सामने आया है। ओगरा की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की जो समरी दी गई थी वो वजीर आजम ने मुस्तरद कर दी है, जिसके ऊपर शहरी जो है वो खुश है, क्योंकि ओगरा की जानिब से जो रेट्स बढ़ाए जाने थे उसमें 14.7 रुपए पेट्रोल का था और हाई स्पीड डीजल का 13.61 रुपए और इसके साथ मिट्टी का तेल 10.59 रुपए जो है वो बढ़ाने की तजवीज दी गई थी। लाइट अगर डीजल की बात करें तो लाइट डीजल की कीमत में भी 7.43 रुपए इजाफे की तजवीज जो है वो दी गई थी, जो वजीर आजम ने ओगरा की जानिब से मिलने वाली समरी को मुस्तरद कर दिया। हमारे साथ यहाँ पर कुछ शहरी भी मौजूद होंगे जिनसे बात करेंगे, क्या कहेंगे कीमतें जो है वो बढ़ाने का ओगरा ने का एक समरी दी और उसको वजीर आजम ने मुस्तरद कर दिया है, क्या कहेंगे इस हवाले? इमरान खान का बहुत अच्छा ये इकदाम है कि अवाम को रिलीफ दिया जा रहा है। अगर इसी तरह काम करते रहेंगे तो अवाम के हक में जो भी काम वो बेहतर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है कि ये अवाम पर जो ये एक बोझ पड़ रहा था वजीर आजम के जाती जो इंटरेस्ट है इसको बढ़ाया नहीं गया, तो ये शहरी बहुत खुश है इससे कि पेट्रोल ना बढ़ाया जाए। इसी तरह बिजली के ऊपर भी है कि उस पर भी नजरसानी करें कि बिजली के रेट भी ना बढ़ाए जाए। बहुत शुक्रिया। शहरी हैं वो खुश हैं और उनका इस हवाले से ये कहना है कि हुकूमत की जानिब से एक अहसन कदम जो है वो देखने में नजर आया है और वो उम्मीद रखते हैं कि हुकूमत आगे भी इसी तरह शहरी खुश हैं। वसीम शहजाद, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। और अभी आपको बताएं कि डीपीओ मुजफ्फरगढ़ हसन इकबाल पर अपने मुलाजमीन से हद तक अमेज रवैया रखने का मामला। आपको बताएं कि चेयरमैन अवामी राज पार्टी जमशेद दस्ती ने आईजी पंजाब को खत लिख डाला हद तक अमेज रवैये पर कार्रवाई के लिए इस्तेदा की गई। उधर तर्जुमान पुलिस ने इल्जाम को मनघड़त करार दे दिया। जमशेद दस्ती की शोभदाबाजी सिर्फ खबरों में रहने के लिए है, तर्जुमान पुलिस का ऐसा कहना है। डीपीओ मुजफ्फरगढ़ हसन इकबाल पर मुलाजमीन से हद तक अमेज रवैये का ये इल्जाम है। चेयरमैन अवामी राज पार्टी जमशेद दस्ती ने आईजी पंजाब को खत लिख डाला, हद तक अमेज रवैये पर कार्रवाई के लिए सदा भी की। उधर तर्जुमान पुलिस ने इल्जाम को मन घड़त करार दे दिया। जमशेद दस्ती की शब्दाबाजी सिर्फ खबरों में रहने के लिए है। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि सिवरेज के नाकिस इंतजामात के बायस मुल्तान में चौक शाह अब्बास के करीब बस्ती दारा गंदे पानी से भर गई है। बस्ती गंदे पानी से भर गई है। अहले इलाके की जानिब से वास्ता इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया गया है। मजीद देखिए इब्राहिम खान की रिपोर्ट में। मुल्तान में चौक शाहबाज के करीब बस्ती दारा के रिहायशियों ने सीवरेज के नाकिस निजाम की वजह से वासा के खिलाफ एहतजाज किया और भरपूर नारेबाजी भी की गई। ए हालात है मुल्तान शहर दा केड़े गन हुक्मरान लोग वोटे वास्ते गली मोहल्ले फिरदन अमाम तेरे के अमाम की गुजरती पिए। इलाका मकीनों का कहना है कि सीवरेज के पानी की वजह से दिन ब दिन शदीद ताफुन फैल रहा है और कई मौजी बीमारियां जन्म लेने का खदशा है। इस मोहल्लेदार इतने तंग हैं इस गंदे पानी से, आवाज उठाने के लिए हम तो खड़े, कोई सुनने वाला हमारा कोई नहीं है। खुदारा ये हम लोग तो कहते हैं कि हमारी कोई सुने। अहले इलाका का मजीद कहना है कि कई बार शिकायत दर्ज करवा चुके हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। सीवरेज की वजह से इलाका मच्छरों की आमाजगा बन चुका है। इलाका मकीनों ने आला हुकाम से गुजारिश की है कि सीवरेज के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएं। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। उधर डीजी खान में यूनियन काउंसिल नंबर 3 के मकीन सीवर सिस्टम के सबब सरापा एहतजाज है। रिपोर्ट करेंगे आशर अशफाक। डेरा गाजी खान की यूनियन कौंसिल 3 बहादुर वाला के इलाका मकीन नाकिस सेवरेज सिस्टम के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। इलाका मकीनों ने कहा कि गंदा पानी जगह जगह जमा हो गया है, आमदो रफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है, शदीद ताफुन फैला हुआ है, जहनी अजियत का शिकार होकर रह गए हैं। यहाँ पानी लोगों के घरों में दाखिल हो चुका है। हमारी वजीर आला पंजाब कमिश्नर साहब से गुजारिश है कि मेहरबानी करें, यहाँ के लोगों पर रहम खें, फौरी तौर पर एक्शन लें। मुजाहिरीन ने कहा कि सीवरेज के गंदे पानी के बायस मच्छरों ने डेरे जमा लिए हैं, बच्चे मूजी बीमारियों में मुबतला हो रहे हैं। 10 साल से मसर आई है ना, 10 साल को लुटे तो पानी है, गंदी है, मच्छर है, सब चीज है। इंशाल्लाह मकान में पानी पीना पे
اہل علاقہ نے ایم این اے اور ایم پی ایس سے مطالبہ کیا ہے کہ یونین کونسل تین بہادر والا میں سیوریج کی لائنیں ڈال کر انہیں مشکلات سے نجات دلوائی جائے۔ کیمرامین عثمان نواز کے ساتھ آشر اشفاق، روہی، ڈیرہ غازی خان۔ ڈویژنل امن کمیٹی میں مندر کی بحالی کے لیے ڈویژنل انتظامیہ اور علماء کرام کے درمیان اتفاق ہو گیا ہے۔ رپورٹ کریں گے گوہر رحمان۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کا حکم، ملتان میں موجود ہندو مذہب کے پرہلاد مندر کو بحال کیا جائے۔ کمشنر ملتان جاوید اختر محمود کی زیر صدار مندر کی بحالی بارے ڈویژنل امن کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں علماء کرام اور انتظامی افسران نے شرکت کی۔ کمشنر نے مندر کی بحالی کے لیے علماء کرام کی رضامندی سے ڈسٹرکٹ کمیٹی تشکیل دے دی۔ اور ہم انشاءاللہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو آرڈر ہے، ان کی جو ججمنٹ ہے، ان کو ہم ان لیٹر اینڈ اسپرٹ تمام علماء کرام کے اور تمام اکابرین کے تعاون سے ہم اس کو امپلیمنٹ کریں گے، اور ایک کمیٹی ہم ڈسٹرکٹ لیول پہ بنانے جا رہے ہیں جو اس کو ڈیلی بیسس پر دیکھے گی کہ کیسے رائے عام آگے ہموار بھی کرنی ہے اور جو سپریم کورٹ کا آرڈر ہے اس کو امپلیمنٹ بھی۔ وزیر مملکت ملک عامر ڈوگر کا کہنا تھا کہ پاکستان کا آئین اقلیتوں کو مکمل آزادی دیتا ہے۔ مندر کی بحالی کے لیے سپریم کورٹ کے فیصلے پر منو ان عمل درآمد کیا جائے گا۔ کمیشن ملتان کی خدمات قابل قدر ہیں۔ تمام یہاں شرکاء نے بڑی مثبت، بڑی پازیٹو گفتگو کی۔ آئین پاکستان کا حوالہ دیا، ہمارے دین اسلام کا حوالہ دیا کہ کس طرح ہمارا دین اقلیتوں کے حقوق کی ضمانت دیتا ہے۔ اس طرح قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی جو کہا کہ پاکستان میں رہنے بسنے والے تمام مذاہب کے حقوق مساوی ہیں۔ آر پی او ملتان خورم علی شاہ کا کہنا تھا کہ امن کمیٹی کے اجلاس میں مندر کی بحالی بارے تمام سٹیک ہولڈرز کو کمشنر ملتان نے مدعو کیا تھا۔ مندر بحالی کے لیے فول پروف سیکورٹی فراہم کریں گے۔ آج کی میٹنگ میں کچھ پازیٹو باتیں ہوئی ہیں، لیکن ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا سارے سٹیک ہولڈرز موجود تھے یا نہیں، اور ان سب کو آن بورڈ کر کے انشاءاللہ کوشش ہی کریں گے کہ یہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بالکل نہ بنے اور سپریم کورٹ کے فیصلے پہ منوان عمل درآمد کیا جا سکے۔ کمیشن ملتان کے حکم پر پرہلاد مندر کی بحالی بارے تشکیل کمیٹی روزانہ کی بنیاد پر فیصلے کرے گی۔ کیمرامین محمد بلال کے ساتھ گوہر رحمان، ملتان۔ اور ایڈیشنل آئی جی ساؤتھ پنجاب ظفر اقبال نے آر پی ملتان سے ملاقات کی ہے۔ ایڈیشنل آئی جی نے ناکہ بندی اور گشت کا نظام مؤثر بنا کر جرائم کی روک تھام پر زور دیا۔ ایڈیشنل آئی جی ظفر اقبال اوان اور آر پی او خرم علی شاہ کی ملاقات جنوبی پنجاب پولیس آفس میں ہوئی ہے، جس میں ملک میں امن و امان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایڈیشنل آئی جی نے آر پی او کی ملتان تعیناتی پر نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ امن و امان کی صورتحال کے لیے مکمل سپورٹ کریں گے، سٹریٹ کرائم کی روک تھام پر خصوصی توجہ دی جائے۔ ایڈیشنل آئی جی نے ناکہ بندی اور گشت کے نظام کو مؤثر بنا کر جرائم کی روک تھام پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ تھانے کی سطح پر تفتیش کا شفاف نظام اولین ترجیح ہے۔ آر پی او خرم علی شاہ نے کرائم کی صورتحال پر بریفنگ بھی دی۔ لیہ کے یونین کونسل مرحان میں ایم این اے مجید نیازی کی جانب سے کارپٹ سڑک اور ڈسپنسری کے کام کا آغاز کر دیا گیا۔ رپورٹ کریں گے ظاہر سرفراز۔ قومی حلقہ این اے 187 میں تعلیم، صحت اور انفراسٹرکچر پر تیزی سے کام جاری ہے۔ یونین کونسل مرحان میں ایم این اے مجید نیازی نے کارپیٹ سڑک اور ڈسپنسری کے کام کا آغاز کر دیا۔ اس موقع پر سابق چیئرمین یونین کونسل مرحان اکرم جاوید کی رہائش گاہ پر جلسے کا انعقاد کیا گیا۔ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے ممبر قومی اسمبلی مجید نیازی نے کہا کہ یونین کونسل مرحان ضلع لیہ کی سب سے پسماندہ تحصیل ہے، جہاں ترجیح بنیادوں پر ترقیاتی کام کیے جا رہے ہیں۔ الیکشن میں وعدے کیے تھے ان کو پورا کرنے جا رہا ہوں، اور اس کے لیے گورنمنٹ پنجاب اور خاص طور پر پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب کا شکر گزار ہوں۔ الحمدللہ نان کرپٹ ہونے کی وجہ سے مجھے فنڈ بھی زیادہ دیے جا رہے ہیں اور میں اپنے غریب عوام کی خدمت بھی کر رہا ہوں۔ سابق چیئرمین یونین کونسل مران اکرم جاوید نے پسماندہ علاقے میں ترقیاتی کام کرنے پر ممبر قومی اسمبلی کا شکریہ ادا کیا۔ ہماری یونین کونسل لیہ ضلع کی پسماندہ ترین یونین کونسل تھی، اور یہاں پہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا نمائندہ ہمیں دیا ہے جو اس علاقے کی ترجیح کو ترجیحات میں رکھ کے یہاں ڈیولپمنٹ کے کام کروا رہے ہیں۔ جلسے سے سابق ٹکٹ ہولڈر پی ٹی آئی سجن خان سمیت مقامی رہنماؤں نے بھی خطاب کیا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ زاہد سرفراز، روہی، لیا۔ آپ کو بتائیں کہ ڈی جی خان کے سرکاری سکولز میں داخلہ مہم کا آغاز ہو گیا ہے۔ ایم پی اے ڈاکٹر شاہینہ نجیب کھوسا نے گورنمنٹ لیب ہائر سیکنڈری سکول کا دورہ کیا۔ آشیش واقعی رپورٹ دیکھیے۔
गाजी खान के सरकारी स्कूल्स में दाखिला मुहिम का आगाज हो गया। एमपीए डॉक्टर शहीना नजीब खोसा ने गवर्नमेंट लैब हायर सेकेंडरी स्कूल का दौरा किया। स्कूल हेड फरजाना बुखारी ने एमपीए डॉक्टर शहीना को ब्रीफिंग दी। इस मौके पर एमपीए डॉक्टर शहीना नजीब खोसा ने बच्चों की इनरोलमेंट करके दाखिला मुहिम का इफ्तिताह किया। बच्चे हमारे पहले से मौजूद थे वो तो सारे ही आ रहे हैं और नई एनरोलमेंट्स भी हो रही हैं। बाकी जाहिर बात है कोरोना की जो एसओपीज हैं वो तो फॉलो हो रहे हैं कि कुछ बच्चे एक दिन आते हैं बाकी अगले दिन आते हैं। तो इंशाल्लाह ताला हमारे 100% बच्चे यहाँ डीजी खान शहर के एनरोल होंगे इस स्कूल में भी और डिफरेंट स्कूल्स में भी। स्कूल हेड फरजाना बुखारी का कहना था कि दाखिला मुहिम जारी है। स्कूल में दाखिला लेने के लिए आने वाले बच्चों को कोरोना एसओपीज पर खसूसी तौर पर अमल दरामद कराया जा रहा है। कोविड के हवाले से भी और एनरोलमेंट के हवाले से भी मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। तमाम एसओपीज को हमने फॉलो किया है और बच्चों को वेलकम कहा है और आए हैं। हम बच्चों को सेंसिटाइज भी करते हैं कोविड के हवाले से और हमारी कैंपेन जो है वो भरपूर तरीके से इस वक्त है और हमें उम्मीद है कि 100% हम इस एनरोलमेंट कैंपेन को कामयाब करेंगे। स्कूल्स में दाखिले के लिए आने वाले बच्चे भी काफी खुश दिखाई दिए। बच्चों का कहना था कि दाखिला लेने के बाद खूब मेहनत और लगन से पढ़ाई करेंगे। कैमरामैन उस्मान नवाज के साथ आशीष इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। आज दुनिया भर में चाइल्ड इंटरनेशनल कैंसर का आलमी दिन मनाया गया। बच्चों को बर वक्त कैंसर की तशखीस से मुतालिक आगाही दी गई। रिपोर्ट करेंगी अलिश बासे। कैंसर के आलमी दिन के हवाले से चिल्ड्रन अस्पताल में वॉक की गई। वॉक की सरबराई एमएस चिल्ड्रन अस्पताल जायद अख्तर ने की। वॉक में डीन अस्पताल वकार रजब के साथ शोबा कैंसर के हेड नर्सेज और अस्पताल के स्टाफ ने शिरकत की। जो दिन है ये बच्चों में कैंसर के जो बच्चे हैं मरीज हैं उनके लिए आगाही का है कि उन्हें हम ये बताते हैं कि किस तरह क्या क्या अलामत बच्चों में हों तो उन्हें फौरन हॉस्पिटल लाना चाहिए और उन्हें डॉक्टर से रजू करना चाहिए ताकि वो उनके मुताबिक उनका जल्द ट्रीटमेंट हो सके। एमएस जाहिद अख्तर का कहना था कि वॉक का मकसद बच्चों में कैंसर के मर्ज की तशखीस की आगाही देना है। कैंसर के बारे में बर्वक मालूम होने पर मर्ज से बचा जा सकता है। किसी भी बच्चे का वजन कम होना, मुसलसल बुखार और रंग तब्दील होने पर फौरी डॉक्टर से चेक करवाएं। इंतहाई जरूरी है क्योंकि इब्तदाई अलामत कि अगर पेरेंट्स को इन्फॉर्मेशन होगी तो वो जल्दी और अर्ली केसेस को अस्पताल में ला सकेंगे। आवाम को आगाही देने के लिए डॉक्टर्स की जानिब से पंपलेट बांटे गए। कैंसर के वार्ड में नन्हे नन्हे बच्चों में मुख्तलिफ तहाइफ भी तकसीम किए गए। कैमरामैन मुगीश शहजाद के साथ अलिश्बा आसिफ, मुल्तान। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि सरगोधा की मेला मंडी ऑस्ट्रो ट्रॉफ स्टेडियम में हॉकी मैच खेला गया और गुजरांवाला 30 स्कोर को अली आमिर हॉकी क्लब सरगोधा ने 2 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दे दी। सरगोधा से फसलुल्लाह की रिपोर्ट। सरगोधा की मेला मंडी ऑस्ट्रो ट्रस्ट स्टेडियम में हॉकी मैच का इनेकाद किया गया। पाक आर्मी के मेजर फराज और रीजनल चेयरमैन हॉकी एसोसिएशन फियाज अहमद हंजरा ने खसूसी शिरकत की। पाक आर्मी गुजरांवाला 30 स्कोर और अली आमिर हॉकी क्लब सरगोधा की टीमों के दरमियान मैच खेला गया। सनसनी खेज मुकाबले के बाद अली आमिर क्लब ने गुजरांवाला 30 स्कोर को 2 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दे दी। खिलाड़ियों का कहना था कि लोकल सतह पर मैचेस के इनेकाद से कौमी खेल को फरोग मिलता है। खेल के तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा हमें, यानी कि इस तरह के मैचेस होने चाहिए ताकि पाकिस्तान की हॉकी इंप्रूव हो सके आगे। इसमें बड़ा अच्छा इन्होंने मैच खेला और अच्छे इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ खेलने के बाद इनको एक अच्छा एक्सपोजर मिला होगा। हॉकी एसोसिएशन के रीजनल चेयरमैन फियाज अहमद हंजरा का कहना था कि ऐसे मैचेस से ही नौजवान खिलाड़ी तैयार होकर आलमी सतह पर मुल्क का नाम रोशन करते हैं। ऑस्ट्रो ट्रॉफ हॉकी स्टेडियम सरगोधा में 30 स्कोर पाक आर्मी और अली आमर क्लब के मबैन हॉकी मैच खेला गया। शायकीन का कहना है कि ऐसे खेल वक्त की अहम जरूरत है जिससे हमारे कौमी खेल को फरोग मिल सकता है। कैमरामैन फैजान खान के साथ फसीउल्लाह, सरगोधा। फ्रेंड्स, बैडमिंटन के जरिए तमाम मुल्तान और खानेवाल की टीमों के दरमियान मैच खेला गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। बैडमिंटन के खेल को फरोग देने के लिए मुल्तान जिमनेजियम में मुल्तान और खानेवाल की टीमों के दरमियान मैच का इनेकाद किया गया। दिलचस्प मुकाबले में मुल्तान ने कामयाबी अपने नाम की। खिलाड़ी भी पुरजोश थे कि ऐसे मैचेस होने चाहिए ताकि नेशनल लेवल तक खेल सकें। और मैं हम यहाँ दिन रात हम बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं तो हुकूमत वगैरह को चाहिए कि हमें और ज्यादा फैसिलिटी दे ताकि हम और आगे ज्यादा आगे जा सकें। बैडमिंटन के मैच को खिलाड़ियों समेत आने वाले शहरों ने खूब इंजॉय किया। सदर फ्रेंड बैडमिंटन का कहना था कि जिले इंतजामिया को ऐसे मैचेस का इनेकाद करवाना चाहिए ताकि नौजवान टैलेंट को आगे आने का मौका मिल सके। आज के इस मैच पर
खानेवाल और मुल्तान के दरमियान टीमों ने खेला, जिसके एक अच्छे असरात मुरतब हुए। और उम्मीद करता हूँ हमारी जिले डिस्ट्रिक्ट के जो इंतजामिया इस तरह के मैचेस का इनकार करे। खिलाड़ियों ने जिले इंतजामिया से अपील की कि बैडमिंटन के खेल को फरोग देने के लिए जिले लेवल पर मैचेस कराए जाएं, ताकि शहरियों को भी तफरी का मौका मिल सके। कैमरामैन मोहम्मद हरून के साथ माजिद कलासरा, रूही, मुल्तान। और इसके साथ ही